फारूक अब्दुल्ला कहते हैं हम धारा 370 वापिस लाएंगे। अरे अब्दुल्ला साहब, तीन पीढ़ियां चली गई और तीन ला दो, अब धारा 370 कोई वापिस नहीं ला सकता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को जम्मू कश्मीर के नौशेरा में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस रैली के दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर जोर दिया, जिनमें पाकिस्तान की सीज फायर उल्लंघन की नापाक हरकतें, अनुच्छेद 370 का मुद्दा और चरमपंथी के खिलाफ सरकार की कड़ी कार्रवाई शामिल थी। अमित शाह ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर में किसी को बंकरों की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर सीमा पार से कोई हलचल होती है तो उसका जवाब दिया जाएगा। ये बयान पाकिस्तान के संदर्भ में दिया गया, जो अक्सर सीज फायर का उल्लंघन करता रहा है। मुझे बताओ, धारा 370 गई, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अरे जोर से बोलो, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? ये फारूक अब्दुल्ला कहते हैं हम धारा 370 वापिस लाएंगे। अरे अब्दुल्ला साहब, तीन पीढ़ियां चली गई और तीन ला दो, अब धारा 370 कोई वापिस नहीं ला सकता। रैना ने कहा यहां हमने बंकर बनाए हैं, अच्छा ही किया भाई बना दिए बंकर, कभी कभार काम आएंगे। मगर मैं कहकर जाता हूं, बंकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज जम्मू और कश्मीर में हमारा तिरंगा फहर रहा है शान से। मुझे बताइए, ये कहते हैं कि हम शेख अब्दुल्ला वाला ध्वज वापिस लाना चाहते हैं, लाना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, लाना चाहिए क्या? इस और भी बोलो, लाना चाहिए क्या? फारूक साहब, जितना जोर लगाना है लगा दो, अब कश्मीर में अगर फहरेगा तो हमारा प्यारा तिरंगा ही फहरेगा और कुछ नहीं फहरेगा। भाइयों बहनों, ये कहते हैं पाकिस्तान के साथ वार्ता करो। फारूक साहब, राहुल बाबा, हम पाकिस्तान पाकिस्तान से वार्ता नहीं करेंगे। पाकिस्तान से वार्ता करने के पक्ष में नहीं है। अगर बात करनी है तो मेरे नौशेरा के शेरों के साथ बात करेंगे, पाकिस्तान के साथ क्यों करेंगे? एलओसी का ट्रेड शुरू करना चाहते हैं और एक फारूक अब्दुल्ला यहां आकर पीर पंजाल की इसी ओर जम्मू की पहाड़ियों में रजौरी पूंछ डोडा में कहते हैं कि यहां फैल जाएगा। मैं आपको बताता हूं नौशेरा वालों, फारूक साहब की जो इच्छा है वो छोड़ दो, नरेंद्र मोदी सरकार है को पाताल जितना गहरा दफनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। और भाइयों बहनों, शंकराचार्य पर्वत और हरि पर्वत को तख्ते सुलेमान और कोहे मारन का नाम देना चाहते हैं। फारूक साहब, आपकी ताकत नहीं है शंकराचार्य पर्वत के नाम को बदलने की। मैं आज नौशेरा में कहकर जाता हूं, ये पर्वत युगो युगो तक शंकराचार्य के नाम से ही।